हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुकिंग विद खुशी एंड ब्लॉग पर। आज मैं आपको पुआ बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और 400 ग्राम गेहूं के आटे में हम 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। अगर आप 500 ग्राम आटा लेते हैं तो 250 ग्राम चीनी ऐड करिए। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब बेसन ऐड किया है और ये थोड़ा सा 2-3 स्पून मैंने दही लिया है। अब हम इन सबको दूध के साथ, दूध रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना फ्रिज का, थोड़ा दूध डालेंगे। फिर इसमें हम पानी के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, देखिए इस तरह से। और जैसे पानी की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी तरह से इसमें पानी को ऐड करते जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये पुआ बनाने की रेसिपी कैसी लगी। पुए तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो वाकई में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी पुए बनते हैं। देखिए अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और हमको बैटर ना ज्यादा पतला रखना है और ना ज्यादा गाढ़ा रखना है। देखिए बैटर इस तरह से होना चाहिए। फिर मैंने इसको अलग से बर्तन में निकाल दिया और ये जो बचा है इसमें भी हम पानी डाल के इसको अच्छे से वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए एक परफेक्ट बैटर तैयार है हमारा पुआ बनाने के लिए। घर में कोई मिठाई नहीं है, मीठे खाने का मन कर रहा है, तो आप 10 मिनट के अंदर यह रेसिपी बना सकते हैं। तो बनाने से पहले हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमको अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। देखिए ये गाढ़ा है, हमको थोड़ा पतला चाहिए। ये इस तरह का हमको बैटर चाहिए पुआ बनाने के लिए, तो हमारे पुए एकदम परफेक्ट बनते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि बैटर ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हो और पतला भी नहीं हो। ये देखिए परफेक्ट हमारा बैटर पुआ बनाने के लिए तैयार है। और हमने गैस पे कढ़ाई पहले से ही रख दी है, उसमें हमने घी डाला है, देसी घी। पुए अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए इस तरह से कटोरी से हमने बैटर को कढ़ाई में बाप डाला इस तरह से। ये आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। हमारे यहाँ ये अन्नकूट में बहुत बनाए जाते हैं और कोई भी फेस्टिवल होता है तो पुए जरूर बनाए जाते हैं। और आप इनको आम के अचार के साथ खाइए, खीर के साथ खाइए, रस्ते की सब्जी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, और गैस का फ्लेम ना आपको हाई रखना है ना ज्यादा लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें पकाइए, क्योंकि आप हाई रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ज्यादा स्लो करेंगे फ्लेम को तो इनमें घी बढ़ जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें पकाइए। देखिए इस तरह से आपको
लाइट ब्राउन से करने हैं। फिर किनारे पे रखकर इनका घी अच्छे से निकाल देना है, ऐसे दबा के प्रेस करके, जिससे इनमें घी ना रहे। देखिए इस तरह से प्रेस करके घी को निकालना है। देखिए इस तरह से, वाओ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये पुए खाने में, और ये राजस्थान में स्पेशली बनाए जाते हैं। देखिए है ना डिलीशियस। सो प्लीज़ आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।